हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम एक नई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो वो प्रॉब्लम क्या है कि हमें एक एरे गिवन है और उसका साइज़ एन है, और हमें के ऐसे कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स फाइंड करने हैं उस एरे में जिनका कि सम जो एरे की साइज़ है एन उसके इक्वल हो। तो सपोज़ यहाँ पे मैंने आपको सैम्पल दे रखा है तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे अगर सपोज़ आपकी जो एरे है वो ये गिवन है 1 2 3 3 1, और के की वैल्यू यहाँ पे 2 गिवन है आपको, और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा साइज़ है वो 5 के इक्वल है। तो यहाँ पे एन हमारा 5 हो गया। तो हमें इस एरे में ऐसे दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स ढूंढने हैं जिनका कि सम 5 के इक्वल होगा। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं, तो सिंपली हम कैसे स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग के अगर हम दो एलिमेंट्स का सम निकाल लें तो यहाँ पे स्टार्टिंग के दो एलिमेंट्स का सम 1 प्लस 2 3 आ जाता है। तो 3 हमारे जो साइज़ है यानी 5 के इक्वल नहीं है, तो हमें आगे के जो मूव करना होगा और आगे के जो के कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट्स हैं यानी दो कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट्स हैं उनको चेक करना होगा। तो यहाँ पे हम सिंपली आगे मूव करेंगे, तो 1 को हम निकाल देंगे अपने सॉल्यूशन से, और फिर आगे मूव करेंगे और 2 और 3 को चेक करेंगे कि इन दोनों का सम 5 के इक्वल है कि नहीं। तो 2 और 3 का सम यहाँ पे 5 के इक्वल आ जाता है। तो सिंपली हम यहाँ पे देखिए आउटपुट हमारा 2 और 3 हमने प्रिंट कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम बेसिकली एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको दिखाया है कि आपको ये एरे गिवन है 1 2 3 3 1, और यहाँ पे हमारा के 2 गिवन है और जो साइज़ है वो इस एरे का 5 है। तो स्टार्टिंग में हम बेसिकली एक सम वेरिएबल मेंटेन करेंगे, और उसमें जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स हैं उनका सम पहले निकाल लेंगे। फिर सम निकालने के बाद जो हमारा सम आया उसको चेक करेंगे कि हमारे एन के इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा सम एन के इक्वल नहीं है, तो हम आगे मूव करेंगे और आगे के जो के कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स हैं हमें उनका सम देखना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप आगे मूव करिए और दोबारा से जो जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट से लेके सेकंड तक जो सम था हमने निकाला था, वैसे ही आप आगे मूव करिए और सेकंड से लेके थर्ड तक के जितने एलिमेंट्स से आपका दोबारा सम निकालिए। लेकिन यहाँ पे आप के छोटा है, यहाँ पे के 2 है। सपोज़ आपका एरे का साइज़ बड़ा हुआ तो वहाँ पर आप दोबारा से सपोज़ आपके जो एरे का साइज़ है वो 1 लाख है और आपको के की वैल्यू 1000 गिवन है, तो आप हर पोजीशन पे 1000 एलिमेंट्स का सम निकालेंगे तो वहाँ पे आपका सॉल्यूशन एफिशिएंट नहीं होगा। तो इसको हम एफिशिएंटली कैसे कर सकते हैं, इसको एफिशिएंटली करने के लिए हम बेसिकली कर सकते हैं कि जब हम नेक्स्ट सेगमेंट पे मूव करें तो सारे एलिमेंट्स का सम दोबारा कैलकुलेट करने के बजाय जो लास्ट सेगमेंट का पहला एलिमेंट था उसको हम अपने सॉल्यूशन से निकाल दें। कैसे, जो हमारा सम है उसमें से हम जो लास्ट सेगमेंट का फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे सॉल्यूशन से निकल जाएगा, और जो नया सेगमेंट होगा उसका जो लास्ट एलिमेंट होगा उसको हम अपने सम में ऐड कर लें। तो हमें सारे एलिमेंट्स का सम निकालने की वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली एक एलिमेंट का हमने अपने सम से सब्ट्रैक्ट करना है और एक एलिमेंट को अपने सम में हमें ऐड करना है। तो इस तरह हम एफिशिएंटली अपने एरे में आगे मूव कर सकते हैं और जो सेगमेंट्स हैं सारे के कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट्स का सेगमेंट्स हैं उनको चेक कर सकते हैं कि उनका सम हमारे एन के इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पर सिंपली जब हम आगे मूव करेंगे तो सम में से हम जो सम हमारा 3 था उसमें से 1 को सेपरेट कर देंगे तो सम हमारा 2 बचेगा, और हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट जिसे हमें इंक्लूड करना है वो 3 है, क्योंकि 2 से लेके आगे के दो एलिमेंट्स 2 और 3 होंगे। तो हम सिंपली जो 3 है उसको अपने सेगमेंट में ऐड कर देंगे यानी सम में ऐड कर देंगे। तो 2 बचा था हमारा सम 1 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 में से, तो 2 में हम सिंपली 3 को ऐड कर देंगे तो हमारा सम जो है वो 5 हो जाएगा। और फिर दोबारा हम चेक करेंगे एन के इक्वल है कि नहीं, तो हाँ ये एन के इक्वल हो गया, तो हम सिंपली ब्रेक कर जाएंगे और बाहर आके जो हमारा आउटपुट है 2 और 3 वो प्रिंट कर देंगे। तो चलिए मैं आपको इसको इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह मैं बता रहा हूँ उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सपोज़ हमारे फंक्शन है वो एक इंडेक्स रिटर्न करेगा जिस पोजीशन से हमें स्टार्ट करना है, जिस पोजीशन से हमारा जो आगे के एलिमेंट्स हैं उनका सम एन के इक्वल आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं सपोज़ फंक्शन का नाम दे देता हूँ फाइंड के एलिमेंट्स, और इसके अंदर हम एक एरे पास करेंगे, दूसरा जो एरे का साइज होगा वो पास करेंगे, और तीसरा जो के है वो पास करेंगे। तो 3 पैरामीटर्स यहाँ पे पास करेंगे हम, और लूप के अंदर आने के बाद पहले तो हम सिंपली जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स हैं उनका सम निकालेंगे और उसे एक सम वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो यहाँ मैं सम वेरिएबल एक डिक्लेयर कर लेता हूँ जो कि इनिशियली 0 होगा, और यहाँ पे सम आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन के तक हम
जो सम है हमारे एरे के एलिमेंट्स का वो निकालेंगे। और एक एक केस ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा के है, जो यूजर के इनपुट किया यूजर ने, वो अगर हमारे एन के साइज यानी जो साइज़ एरे के उससे बड़ा हुआ, तो उस केस में कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर हमारा के एन से बड़ा है तो यहाँ से हम सिंपली -1 रिटर्न कर देंगे। -1 हम उस केस में रिटर्न करेंगे जब हमारा कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर के एन से बड़ा है तो यहाँ हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए हम यहाँ पे -1 रिटर्न कर रहे हैं। और अगर के हमारा एन से छोटा है, उसके बराबर है, तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स हैं उनका सम निकालेंगे। तो सम प्लस इज इक्वल टू जो हमारी एरे के स्टार्टिंग के एलिमेंट्स हैं, एक एक करके सबको सम में ऐड करते जाएंगे। और इस लूप से बाहर आने के बाद हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारा सम जो है वो एन के इक्वल होता है, तो यानी कि हमें अपना सॉल्यूशन मिल गया है और वो सॉल्यूशन है स्टार्टिंग के एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम सिंपली जो स्टार्टिंग जो ये सेगमेंट है इसका स्टार्टिंग पोजिशन है यानी कि 0, क्योंकि अगर स्टार्टिंग के एलिमेंट्स हमारा सॉल्यूशन हुआ तो हम सिंपली जो स्टार्टिंग एलिमेंट है हमारे सेगमेंट का, जो कि फर्स्ट एलिमेंट होगा, उसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। और सपोज़ यहाँ पे अगर भी अभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलता तब हम आगे मूव करेंगे। और तो आगे हमें क्या करना है, हमने के एलिमेंट्स के -1 तक का यहाँ पे सम निकाल सका है, जैसे आप देख रहे हैं 0 से के -1 यानी स्टार्टिंग के एलिमेंट्स होंगे। तो हम आगे मूव करेंगे और अब हम जो अपना लूप है वो के से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि के -1 इंडेक्स तक हमने ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर कैलकुलेट कर लिया है और यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन नहीं है। तो हम आगे मूव करेंगे, के से स्टार्ट करेंगे, और कब तक जाएंगे, जब तक आई जो है हमारा वो साइज एन से छोटा है। और यहाँ पे सिंपली जैसे हमने वहाँ देखा था लूप में पीछे स्लाइड में, कि जब हम लूप में आएंगे तो हमें क्या करना है, जो पिछला सेगमेंट है उसमें से जो स्टार्टिंग एलिमेंट है उसको सब्ट्रैक्ट करना है और जो नया सेगमेंट है उसके लास्ट एलिमेंट को ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारा जो सेगमेंट है अभी 0 से लेके के -1 तक है। तो लूप के अंदर आने के बाद हम अपने सम में से जो पिछला सेगमेंट है उसके फर्स्ट एलिमेंट को माइनस करना है, तो उसका फर्स्ट एलिमेंट होगा 0, 0th एलिमेंट। तो यहाँ पे सिंपली हम आई माइनस अगर के करते हैं तो के की वैल्यू, अगर हम जो करेंट इंडेक्स है जो कि स्टार्टिंग में के होगा उसमें से के को माइनस कर देंगे, तो देखिए आप फर्स्ट टाइम में यहाँ पे के माइनस के 0 आएगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो है वो पिछले सेगमेंट का वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और ऐसे ही सम प्लस इक्वल टू जो करेंट एलिमेंट है उसको हम ऐड कर देंगे, तो करेंट एलिमेंट हमारा ए आई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई इक्वल टू के लिए जब फर्स्ट टाइम लूप में आएगा तो यहाँ पे ए के माइनस के यानी ए 0 यानी जो पिछले सेगमेंट का फर्स्ट एलिमेंट था वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारे सम में से, और ए आई यानी स्टार्टिंग में ए के होगा ये, तो जो अभी करंट एलिमेंट होगा यानी जो करंट एलिमेंट सेगमेंट का लास्ट एलिमेंट होगा वो हमारे सम में ऐड हो जाएगा। इसी तरह जब आगे लूप मूव करेगा हमारा आगे की इटरेशंस में, ऐसे ही एक एक हम सेगमेंट हमारा आगे मूव करते जाएगा और पिछले सेगमेंट का फर्स्ट एलिमेंट माइनस करते जाएंगे और जो करंट न्यू न्यू सेगमेंट है उसके हर एलिमेंट को हम इसमें ऐड करते जाएंगे। और हर इटरेशन में लास्ट में हमें चेक करना है कि हमारा सम अगर एन के इक्वल हो जाता है तो उस केस में हम यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे। अब ब्रेक करने के बजाय हम डायरेक्टली यहाँ से रिजल्ट रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि अगर हमें ऐसा सेगमेंट मिल गया है जिसका सम के एन के इक्वल है, तो यहाँ पे हमें और कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम जो इंडेक्स है स्टार्टिंग पोजिशन है उसकी, यानी कि आई माइनस के +1, तो ये हमारे जो सेगमेंट होगा उसकी स्टार्टिंग पोजिशन होगी, उसको हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। और अगर ये पूरा लूप ख़त्म हो जाता है और यहाँ से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती है, मतलब कि हमें अपना सॉल्यूशन नहीं मिला है, तो बाहर आने के बाद हम सिंपली -1 रिटर्न कर देंगे, क्योंकि -1 हमने जैसे बताया था कि अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है उस केस में हम -1 रिटर्न करेंगे। तो ये हमारा फंक्शन बन गया है जो हमें के ऐसे एलिमेंट्स हमारी एरे में फाइंड करके देगा, कॉन्जिक्यूटिव के एलिमेंट्स जिनका कि सम एरे की साइज़ के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं वो वही एरे ले लेता हूँ जो हमने अभी सैम्पल में देखी थी। तो 1 2 3 3 1, और यहाँ पे आप देख सकते हैं साइज़ जो है वो एन इक्वल टू है हमारा 5 के, और जो के है वो हम 2 ले रहे हैं। तो ये हमारा एरे साइज और के हो गया। अब सिंपली यहाँ पे हम एक और बना लेते हैं इंटीजर जो कि इंडेक्स हमारा स्टोर करेगा, और इंडेक्स हमारा किस कहाँ से आएगा, जो हमने फंक्शन बनाया है वहाँ से हम इंडेक्स निकालेंगे हमारे जो सेगमेंट है उसकी स्टार्टिंग पोजिशन का।
तो यहाँ पे हम फंक्शन का नाम फाइंड के एलिमेंट्स, और इसके अंदर हम पहले एरे पास करेंगे, फिर साइज पास करेंगे और फिर के पास करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें इंडेक्स ये फंक्शन रिटर्न कर देगा हमारे जो सेगमेंट है उसकी स्टार्टिंग पोजीशन का। तो यहाँ पे हम अपना आगे सॉल्यूशन देने से पहले एक बार हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारा इंडेक्स -1 के इक्वल हुआ तो उस केस में हमारा कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उस केस में हम यूज़र को मैसेज प्रिंट कर देंगे, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और अगर ये -1 के इक्वल नहीं है, मतलब कि हमें जो इंडेक्स है वहाँ से रिटर्न हो क्या है वो 0 से लेके n-1 के बीच में लाई कर रहा है, तो हम उसे आगे प्रिंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली लूप में i इक्वल टू इंडेक्स, और हमें k एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं तो सिंपली मैं इंडेक्स प्लस k कर दूंगा। तो यहाँ से ये जो इंडेक्स पास हो क्या है वहाँ से आगे के k एलिमेंट्स को ये प्रिंट कर देगा i प्लस प्लस। और यहाँ पे सिंपली हम सारे एलिमेंट्स हैं उन्हें प्रिंट कर देंगे। चलिए अब इसे कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल हो गया, अब इसे रन करते हैं। तो यहाँ देखिए ये हमारा आउटपुट 2 और 3 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। सपोज़ मैं यहाँ पे अगर के की वैल्यू एक बार चेंज करके देखता हूँ, सपोज़ 3 करता हूँ, तो उस केस में कोई ऐसा सेगमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जिसका कि सम 5 के इक्वल हो, नहीं शायद नहीं कर रहा। तो चलिए देखते हैं, इस केस में आंसर सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट आना चाहिए। हाँ, तो यहाँ नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट आ गया है आंसर हमारा। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आज आपको जो ये कॉन्सेप्ट समझाया और ये तरीका बताया वो आपको क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद।